Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, let's play the intro. तो गाइस आज की मेरी आने वाली वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब की तीन बड़ी अपडेट जो हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे को उसमें क्या क्या हमारे को उस अपडेट के अंदर मिलता है और क्या क्या हमारे को उससे फ़ायदा हो सकता है। तो अब चलते हैं हम अपनी पहली अपडेट की तरफ। जो हमारी पहली अपडेट निकल कर आती है वो आती है हमारे कम्युनिटी टैब के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले हमारे को एक न्यूज़ आई थी या अपडेट आई थी कि कम्युनिटी टैब जो है हमारे में वैसे मिलता है 1K सब्सक्राइबर पर, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो पर कार्ड आ रहा है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। तो अभी जो थोड़ी देर पहले अपडेट आई थी उसके अंदर हमारे को बताया था कि 500 जिनके प्लस होंगे, 500 प्लस सब्सक्राइबर होंगे उनको भी कम्युनिटी टैब मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन जो टैब होता है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अब यूट्यूब की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है, इसके अंदर और अच्छा हो गया कि जो कि न्यू क्रिएटर हैं, जो कि न्यू यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं, उनको भी न्यू जो अपने चैनल बनाते हैं उनको भी कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है यूट्यूब की तरफ से। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ। तो अब जो हमारी दूसरी अपडेट निकल कर आती है वो आती है YT स्टूडियो की तरफ से। अब इसके अंदर हमारे को फ़ायदा ये होगा जो लोग अपना चैनल नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए हमारी न्यूज़ बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर हमारे को होगा ये कि जो लोग अभी अपना चैनल बना रहे हैं ये आना चाह रहे हैं, अब जो के अपना कंप्यूटर PC या लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्टार्ट जो अपना मोबाइल से करना चाह रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो अपना जो YT स्टूडियो है उसको अब मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे लेकिन हमारे को वो वाले ऑप्शन नहीं मिलते थे जो कि PC या लैपटॉप के अंदर हमारे को मिलते हैं। अब यूट्यूब की तरफ से इस YT स्टूडियो के अंदर इतनी ज़्यादा अपडेट आ चुकी है कि हमारे को इसके अंदर सारे अपडेट्स मिलते हैं। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो जो के अपडेट्स के ऊपर अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कार्ड आ रहा है, आप जाके ज़रूर देखें। अब चलते हैं अपनी तीसरी अपडेट की तरफ। अब जो तीसरी अपडेट है वो हमारे निकल कर आती है मोनेटाइजेशन के ऊपर। अब सबको पता है कि जब भी कोई क्रिएटर अपना चैनल बनाता है तो उसको पता होता है कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर करने हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम करना है और कोई इसके ऊपर वायलेशन नहीं करनी है हमारे को, किसी भी तरीके की किसी का म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं करना और दूसरा किसी की वीडियो इस्तेमाल नहीं करनी है उसने। अब अगर वो बिल्कुल कोई वायलेशन नहीं करता यूट्यूब की, अगर वो बिल्कुल सही अपना काम कर रहा है, कोई वायलेशन नहीं कर रहा, किसी का म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी का वीडियो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो अगर वो बिल्कुल सही चल रहा है, अगर वो अपना चैनल जब उसका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जब वॉच टाइम पूरा हो जाता है, जब वो अपना चैनल रिव्यू में डालते हैं तो यूट्यूब की तरफ से एक मेल आती है कि आपने कोई वायलेशन करी है और आपने किसी भी तरीके की वायलेशन करी है कि आपका हमारा हम आपका चैनल मोनेटाइज नहीं कर रहे और आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर रहे हैं, तो उस क्रिएटर के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है कि वो इसने इतनी मुश्किल से 4000 घंटे का वॉच टाइम किया और 1000 सब्सक्राइबर किए। तो अगर वो अपना मेल भी करता है यूट्यूब को तो जो बात मेल में होती है या टाइप करके टेक्स्ट में भेजते हैं यूट्यूब को वो यूट्यूब भी नहीं समझ पाता और आप अपनी बात जो है वो सही से बता नहीं सकते यूट्यूब को। तो अब जो न्यू अपडेट है वो है कि अगर आपके पास भी कुछ तरह की मेल आती है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है तो अब आपके पास ये वाली एक अपडेट आ जाएगी कि जिसके अंदर आपको वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन होगा, आप अपनी जो वीडियो है वो यूट्यूब को भेज सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में आप उसको बोलें, अपनी वीडियो बनाएं और उसको ज़रूरी सबटाइटल कर दें इंग्लिश में, ताकि आप जब यूट्यूब को भेजें तो आपकी जो जितनी भी आप बोलना चाह रहे हैं आप जाके बता रहे हैं कि मेरा ये वाला मसला है, आपने मेरा बिला वजह डिमोनेटाइज कर दिया है, तो आप अपना बिल्कुल एक वाजे होकर आप उसमें क्लियर लिखा रखते हैं, आप क्लियरिटी से बता देते हैं कि मेरा ये मसला है और मैंने कोई वायलेशन नहीं करी। तो जब यूट्यूब इस वीडियो को देखेगा तो आपका 99% है आपका जो चैनल है वो आपको वापस मोनेटाइज हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल पाक लॉगिन टेक को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।